स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में और मैं हूं रवि रंजन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 रिटेल बिजनेस के बारे में, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे बिजनेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाकर डाला हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट रिटेल बिजनेस के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी सस्टेनेबल है और काफ़ी लंबे टाइम से लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी अर्न कर रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होते हैं। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 5th नंबर पे मैंने जो रिटेल बिजनेस रखा है अपने लिस्ट में, वो है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट काफी कम होती है। आपको सिर्फ एक किचन में इन्वेस्टमेंट करना होता है, ना ही आपको कोई एक रेस्टोरेंट या फिर एक काफ़ी फुटफॉल वाले एरिया में आपको अपना रेस्टोरेंट या किचन खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप घर से भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ये एक काफ़ी रिलायबल बिजनेस है। आज के टाइम पे चाहे टायर 1 सिटी है या टायर 3 सिटी है, हर जगह ऐप जो है वो पहुँच चुका है, ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं और डिलीवरी भी हो रही है। तो अगर आप मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट में और मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्लाउड किचन के साथ भी जा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है और इनिशियल स्टेज में आपकी सेल वगैरह थोड़ी कम होगी और आपको एड्स वगैरह थोड़े रन करने पड़ते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको अपना बिजनेस मॉडल जो है वो सेट करना पड़ता है। उसके बाद एक बार आपने अपना बिजनेस मॉडल सेट कर लिया तो धीरे धीरे जो है आपका ये बिजनेस अच्छा ग्रो हो सकता है। डिपेंड करता है आप उसमें कितना एफर्ट दे रहे हैं, किस लेवल का क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं और जो अपने ऑनलाइन पार्टनर्स हैं उनके साथ आपका बॉन्ड कितना अच्छा बनता है। इसके बाद 4th नंबर पे हमारे लिस्ट में जो बिजनेस है वो है कॉस्मेटिक्स का। आज के टाइम पे कॉस्मेटिक का बिजनेस काफी अच्छा चलता है, चाहे आप छोटे शहर में खोल रहे हैं या फिर किसी हाई फुटफॉल वाले मार्केट में या टायर 1 सिटीज में खोल रहे हैं। तो कॉस्मेटिक ऑनलाइन तो सेल होता ही होता है, साथ में ऑफलाइन भी कॉस्मेटिक की डिमांड काफ़ी हाई होती है, बिकॉज इसके जो कस्टमर हैं उनकी परचेज करने का तरीका अलग है। वो इसको फिजिकली यूज करके देखती है, उसके बाद ही कॉस्मेटिक्स के काफी सारे ऐसे आइटम्स है जिसे वो परचेज करती है। कॉस्मेटिक के बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और साथ में आप इसको एक ऑफलाइन स्टोर अगर आप खोलते हैं तो साथ में आप अपने कस्टमर को बनाने के लिए ऑनलाइन स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। और मैंने पहले भी वीडियोज बनाया हुआ है शॉपिफाई के ऊपर, तो शॉपिफाई पे भी आप अपना स्टोर बना सकते हैं ऑनलाइन और बिलिंग वगैरह भी एक साथ ही कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इन्वेंट्री वगैरह भी आसानी से मैनेज हो सके। ये बिजनेस वहाँ पर ज़्यादा चलता है जहाँ पर लेडीज का फुटफॉल अधिक हो। नंबर 3rd पे हमारे लिस्ट में है टॉयज का रिटेल स्टोर, रिटेल बिजनेस। टॉयज इंडस्ट्री जो है वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, काफ़ी कम लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप एक नया रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि अगर आप एक रिटेल ऑफलाइन स्टोर खोलते हो तो वहाँ भी चलने के चांसेस है, बशर्ते कि वो थोड़ा अच्छे एरिया में हो, जहाँ पे फुटफॉल अच्छे हो, फैमिलीज जहाँ पर आती हो, तो वहाँ पे इस टाइप के स्टोर्स के सक्सेस होने के चांसेस हाई होते हैं। साथ में ऑनलाइन मार्केट प्लेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे भी साथ में सेल करो, तो आपका जो सेकेंडरी सेल का रास्ता है वो आपका ऑनलाइन का भी हो गया।
साथ में आप अपना ऑनलाइन खुद का वेबसाइट भी, ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करके अपने ब्रांड से उसमें भी सेल जनरेट कर सकते हो। आज के टाइम पे अगर रिटेल बिजनेस में आना है, स्पेसिफिक अगर टॉयज रिटेल इंडस्ट्री में आपको आना है, तो काफी अच्छा टाइम है। हर एज के बच्चों के लिए आप टॉयज अवेलेबल कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ब्रांड का नाम लेता हूँ, डिकैथलॉन है, जो कि टॉयज के साथ साथ जो है वो मर्चेंडाइज भी सेल करता है और बड़े टॉयज भी सेल करता है, वो बाइसाइकिल भी सेल करता है, स्पोर्ट्स के आइटम्स भी सेल करता है। तो इस टाइप का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अच्छा टाइम है। मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज काफ़ी कम लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आप इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हो। इसकी मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, फिर भी अगर आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर सोच के चलते हो तो तकरीबन 10 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियल स्टेज पे लगानी पड़ेगी। नंबर टू पे हमारे लिस्ट में जो है वो है मेडिसिन स्टोर का बिजनेस। अब काफ़ी सारे लोग आप में से बोलेंगे कि टाटा ने 1MG लॉन्च कर रखा है और अपोलो का अपना है और भी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं जो कि ऑनलाइन मेडिसिन सेल करते हैं, राइट? आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन आपको क्या पता है जो ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स हैं मेडिसिन के, वो पहले भी चलते थे, उनकी सेल पहले भी उतनी ही थी, आज भी वो चल रहे हैं और उनकी सेल आज भी उतनी है। बिकॉज यहाँ पे ना बिजनेस मॉडल अलग अलग है। जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो डिस्काउंट पे खेलते हैं, वो ऑफर पे खेलते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो लोकल जो डॉक्टर्स हैं, लोकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स, या फिर आपका लैब्स वगैरह जो हैं, उनके साथ वो मिलके खेल जाते हैं। तो बिजनेस करने का तरीका अलग अलग है, बट स्टिल अभी भी सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर कोई बिजनेस रिटेल में है तो वो मेडिसिन स्टोर्स का ही बिजनेस रिटेल में प्रॉफिटेबल है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, आयुर्वेदिक के मेडिसिन स्टोर्स अलग होते हैं, उसके बाद जो अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, एलोपैथी बोलते हैं, उसके मेडिसिन स्टोर्स अलग होते हैं, होम्योपैथी दवा होती है, मेडिसिन होती हैं, उसके अलग होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑलरेडी डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है और स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके फुल डिटेल वीडियोस देख सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगनी है। मोटा मोटी जो है वो मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 10 से 15 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में लग जाता है। तो अगर आप मेडिसिन स्टोर रन कर सकते हैं, अगर आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आप एक डिसेंट रिटेल बिजनेस देख रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर का बिजनेस भी आपके लिए फायदेमंद है, जो कि एक प्रॉफिटेबल नीश है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। नंबर वन पे ऑल टाइम फेवरेट सबका जो मेरे लिस्ट में है वो है ग्रोसरी स्टोर का। आपने सही सुना, एक मिनी मार्ट या ग्रोसरी स्टोर बोल लीजिए, मिनी मार्ट बोल लीजिए, जिसमें आप ग्रोसरी भी सेल करते हैं, आप वेजिटेबल भी सेल करते हैं, आप फ्रूट भी सेल करते हो, आप डेयरी प्रोडक्ट भी सेल करते हो, और अगर आपके एरिया में पॉसिबिलिटी है और आप इसको 24/7 रन कर सकते हो, तो ग्रोसरी स्टोर या ग्रोसरी बिजनेस जो है या मिनी मार्ट का जो बिजनेस है, इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस और कोई नहीं है। इसमें बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इन्वेंट्री आपको हमेशा फुलफिल रखना है, दूसरा आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए जिससे कस्टमर आपके पास बार बार वापस आए। मिनी मार्ट और ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोज़ बना रखी है, आपको चैनल पे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। समरी आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप एक मिनी मार्ट स्टार्ट करते हैं तो आप 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख से भी कर सकते हैं, 15 लाख से भी कर सकते हैं। आइडियल जो प्राइस होता है वो होता है कि आप तकरीबन 12 से 15 लाख में स्टार्ट कीजिए, 12 से 15 लाख इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कीजिए,
और धीरे धीरे आप जो है उसमें से प्रॉफिट निकालिए और उसमें ही थोड़े टाइम एटलीस्ट एक साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक बार आपका मिनीमार्ट स्टेबल हो गया और अच्छे से रन होना शुरू हो गया, आपके कस्टमर बेस बन गए, तो आप लंबे टाइम तक एक अच्छा प्रॉफिट इस बिजनेस से निकाल सकते हैं। और आज के टाइम पे जितने भी मेट्रो सिटी है, टायर 2 सिटी है, टायर 3 सिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह जो है अमेजोन आ चुका है, फ्लिपकार्ट आ चुका है, काफ़ी सारे मार्केट प्लेस ऐप के थ्रू भी रन कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो भी आ चुका है, तो वहाँ भी आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा सकते हैं काफ़ी किफ़ायती रेट्स में। एक तो आप ऑफलाइन अपना मिनीमार्ट या जनरल स्टोर रन कर ही रहे, दूसरा आपका जो है ये मार्केट प्लेस के थ्रू भी सेल हो रहा है, तो ये भी एक सेल का सोर्स आपका जनरेट हो गया। थर्ड, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना वेबसाइट खुद का बनाओ, खुद का वेबसाइट लॉन्च करो। आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगता है, आप किसी थर्ड पार्टी बंदे को हायर कर लो जो आपका वेबसाइट या फिर एटलीस्ट आपका अपना पर्सनल ऐप ही लॉन्च कराए, जिससे आपके पास कस्टमर के सारे डिटेल हो, कस्टमर का बेस बना हो, अगर आप कोई ऑफर निकाल रहे हो तो उसको सूट कर सको, लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन एक क्लिक में पहुँच जाना चाहिए, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उसी बेस पे डेवलप होती रहेगी। और जैसे जैसे आप अपने रिटेल स्टोर्स के लिए स्ट्रेटजी बनाओगे और स्ट्रेटजी के पीछे अगर आपके पास डाटा है, कस्टमर्स की डिटेल है, तो आप उसको एग्जीक्यूट काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। सिर्फ ग्रोसरी स्टोर में ही नहीं, मेडिकल स्टोर में ही नहीं, सारे रिटेल बिजनेस का जो जर होता है, जहां से आप अपनी सेल जनरेट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, वो सिर्फ एक ही काम होता है कि आपके पास आपके कस्टमर का डाटा कितना है, तो आप उस डाटा को कैसे यूज करते हो, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हो, ये सारा आपके ऊपर है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपना एक वेबसाइट जरूर बनाएं, चाहे आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऑफलाइन सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन आज के टाइम पे आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इस वीडियो में मुझे आपको जो है 5 बेस्ट रिटेल बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी। होप आप सबको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप एक नया रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इन 5 बिजनेस में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस में एंट्री करने से पहले आपका खुद का ग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। R&D करना वो आपकी जिम्मेवारी है। अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें पैसे लगा रहे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उस बिजनेस से प्रॉफिट निकालना और अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी देना, खुद के लिए भी बचाना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है। साथ में कस्टमर को भी हैंडल करना और कस्टमर को भी खुश रखना, बिकॉज कस्टमर ही भगवान है रिटेल बिजनेस में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।